हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक योर पीएससी नाउ यूट्यूब चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो पढ़ना शुरू कर दिया आखिरकार आपने? हाँ, एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो अपन को पढ़ना भी शुरू करना पड़ेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा रहा? दिल्ली सल्तनत। अच्छा, दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने पढ़ा, उसका बैकग्राउंड को समझा। मैंने उसमें आपके दो लोगों को बारे में बताया था। कौन थे वो दो लोग? कुतुबुद्दीन ऐबक और शमशुद्दीन इल्तुतमिश। दोनों के बारे में आई होप आपने अच्छे से पढ़ लिया हो। और मैं आपको ये बात बता दे रहा हूँ, अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसकी पहला पार्ट जो दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट है, अगर आपने वो नहीं देखा है, मिस करके आए हैं ये वीडियो में, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले जाके वो पार्ट देखिए, तभी ये पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि हम लाइन वाइज चल रहे हैं, हम बीच से नहीं चल रहे हैं कि हमने खिलजी डायनेस्टी उठा ली, फिर हम तुगलक पढ़ ले रहे हैं, फिर हम वापस स्लेब में आ जा रहे हैं, फिर हम मुगल चले आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा अपने यहाँ, ठीक है ना। लाइन से चलेंगे, स्लेव डायनेस्टी से शुरू करें अपन ने दिल्ली सल्तनत, फिर खिलजी में आएंगे, तुगलक में आएंगे, सैयद में आएंगे, लोधीस में आएंगे, फिर मुगल्स में जाएंगे। लाइन से चलेंगे अपन। तो पहला पार्ट जरूर देखो, तभी समझ में आएगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो दिल्ली सल्तनत के पहले पार्ट में बता दिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है। इस पार्ट में मैं आपको बताऊँगा सिर्फ और सिर्फ रज़िया सुल्तान के बारे में, क्योंकि बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें क्वेश्चन पूछते ही हैं रज़िया सुल्तान के बारे में, कि रज़िया सुल्तान कितने साल तक राज करी अपने शासन में, दिल्ली सल्तनत में उनने क्या क्या अच्छे काम करवाए, है ना। फिर बहुत सारे ऐसे उनके यानी डीमेरिट्स थे कि क्या, क्यों वो एक कैपेबल रूलर नहीं बन पाई दिल्ली सल्तनत के लिए, ऐसे बहुत सारे हैं। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, कैपेबल रूलर थी वो, थी, ऐसी बात नहीं है। रज़िया सुल्तान वॉज अ वेरी कैपेबल रूलर फॉर दिल्ली सल्तनत, मैं अभी भी बता दे रहा हूँ आपको। लेकिन एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी उनमें, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, बहुत बड़ी मिस्टेक थी जिन्होंने उनका डाउनफॉल शुरू कर दिया था। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। देखिए अब हम रज़िया सुल्तान के बारे में आते हैं। तो रज़िया सुल्तान का जो टाइम पीरियड शुरू होता है वो 1236 से 1240 तक रहता है, 1236 टू 1214, ओनली 4 ईयर्स, 4 साल भी नहीं बोलते, 3.5 साल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इल्तुतमिश ख़त्म होता है 1236 में, 1236 में, और 1236 में रज़िया सुल्तान आ जाती है। लेकिन वेट, इनके बीच में एक और आता है जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। अब मैं बता दे रहा हूँ इसके बारे में, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, रद्दी भर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में इसके बारे में कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझाने के लिए बता देता हूँ आपको कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह है कौन। रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का ही लड़का है, इल्तुतमिश के बहुत सारे लड़के थे, उसमें से एक रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ये आता है इल्तुतमिश जैसे ही ख़त्म होता है उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह आ जाता है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह आया कैसे राजा बनने? देखिए चालीसा के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो जाके देखिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन प्रो जाओ, देखो चालीसा कौन है, ठीक है ना। पहले देखो समझो फिर इधर ही समझ में आ पाएगा। तो इल्तुतमिश ने चालीसा बना के गई रही, तो चालीसा थी कौन बना बताऊँ मैंने पिछली वीडियो में। चालीसा ऑफिशियल स्नोबल से 40 लोग, 40 मेंबर का, सीधे सीधे बोल दे रहा हूँ, 40 मेंबर्स का एक ग्रुप था, जो एक संगठन बोल सकते हो उसको, कैबिनेट मिनिस्टर्स बोल सकते सीधे सीधे अगर हम आसान भाषा में समझे तो उन्होंने इलेक्ट किए किसको, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इलेक्ट कर लिया नया राजा इल्तुतमिश की मौत के बाद। लेकिन वो हम बोल सकते ना अय्याश टाइप का व्यक्ति था, यानी उसको पैसा लुटाना, अय्याशी करना, दारूखोरी करना, बस इतना ही आता रहा और कुछ नहीं आता रहा। वो सड़क के बीचों बीच हाथी के ऊपर बैठ के निकल जाता रहा मार्केट में, वहाँ का जो शहरी मार्केट था उधर, और उधर सोने के सिक्के ऐसे ऐसे फेंकता रहा, जैसे बहुत रही ज़्यादा हो रहा, रही ज़्यादा था ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो यही थी उसकी कहानी, बस सुबह उठ, देर से उठना, शराब पीना, अय्याशी करना, पैसे फेंकना, पैसे लौटाना, बस इतना ही इसका काम था। इसलिए वहाँ की जो जनता थी इससे बहुत नाराज़ थी, क्योंकि इसने उनके लिए वेलफेयर के लिए कोई काम नहीं किया था। तो इसी के बाद इन उदय होता है किसका, रज़िया सुल्तान का। रज़िया सुल्तान थी कौन, पहले मैं ये बता देता हूँ, रज़िया सुल्तान थी कौन। रज़िया सुल्तान भी इल्तुतमिश की ही बेटी थी, है ना। इल्तुतमिश जब जिंदा था उसने ही ये एक जो कोर्ट होता है ना वो बोल के गया था क्या, कि मेरी ये जो छोटी लड़की है ये कई बड़े बड़े लड़कों के बराबर की है। अब आप सोच सकते हैं रज़िया सुल्तान की कैपेबिलिटी पावरफुल कितनी होगी वो, है ना। तो रज़िया सुल्तान ने क्या किया, अब वो चाहती थी कि मैं सत्ता में आऊँ, सीधी बात, वो सत्ता चाहती थी, रुकनुद्दीन फिरोज शाह को अलग करना चाहती थी। तो वो मार्केट में खड़ी हुई, उसने बोला कि क्या आप खुश हैं रुकनुद्दीन फिरोज शाह से, उसने आपके लिए क्या किया, कुछ नहीं। वो उसने पूरा माइंड वॉश किया पब्लिक का,
पूरा यानी अच्छे से उनको समझाया तो पब्लिक भी उसके साथ हो गई रजिया सुल्तान के साथ। तो जाहिर सी बात है जब पब्लिक आपके साथ हो तो क्या काम नहीं बन सकता। तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाया गया, डिसोन कर दिया गया और सत्ता संभाली गई किसके हाथों, रजिया सुल्तान के हाथों, और रजिया सुल्तान बन गई वहाँ की नई रूलर। अब मैं बता देता हूँ रजिया सुल्तान के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, रजिया सुल्तान पहली और आखिरी मुस्लिम महिला है, पहली और आखिरी दोस्तों ये सुन लो, फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम रूलर जिसने पूरे इंडिया में राज किया है। अब देखिए इसमें एक का नाम और निकल के आता है नूरजहां। अब नूरजहां कौन थी, जहांगीर की पत्नी, और जहांगीर कौन था, जहांगीर अकबर का बेटा था दोस्तों, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर की पत्नी नूरजहां। देखिए जहांगीर भी वैसे ही था जैसे मैंने आपको रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में बताया, बस वो पेंटिंग करना जानता था, शराब पीना जानता था बस, तो वो हमेशा नशे में ही डला रहता था। तो ऐसे थोड़ी ना चलता है भाई, ऐसे अपना अगर चलने लगे, अगर हमारे पीएम भी अगर ऐसा करने लगे तो हो गया सब काम, देश ही बैठ जाएगा, अर्थव्यवस्था सब बैठ जाएगी, जिसको जो करना है करो, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो जहांगीर की भी यही हरकत थी। तो मुगल, ये मुगल पीरियड की बात बता रहा हूँ, ये मुगल्स थे इन लोग, है ना, आपको पता होगा लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता है जिन्होंने अभी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है। जहांगीर, अकबर, बाबर, हुमायूं, ऐसा मुगल पीरियड की बात है ना, मैं वहाँ चले गया हूँ क्योंकि नूरजहां के बारे में मेरे को आपको बताना है। नूरजहां ने क्या किया दोस्तों कि जो अपनी सत्ता थी, अपने पति की सत्ता, जहांगीर भी अपने हाथ ले ली, लेकिन वो अपने पति के नाम से ही चलाती थी, डायरेक्ट कभी नहीं गई वो जैसे मेरे नाम से ये सब काम होंगे, नहीं, वो जहांगीर के नाम से ही होते थे, वो डायरेक्ट कभी नहीं आई है, उसने ही पूरा रूलर चलाया जहांगीर का। मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, जहांगीर ने कुछ नहीं किया, उस पूरा काम नूरजहां ने किया है, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं थी दोस्तों, इतना बता दे रहा हूँ। और अगर डायरेक्ट की बात आती पेपर में यही पूछा जाता फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी कौन थी, पेपर में ऑप्शन आएगा, उसमें ऑप्शन में नूरजहां लिखा ही लिखा रहेगा रजिया सुल्तान के साथ, तो आपको रजिया सुल्तान ही लगाना है। नूरजहां ने किया है नो डाउट, लेकिन नूरजहां ने डायरेक्ट नहीं आके किया, वो अपने पति के नाम पे किया है, इतना याद रखना, जहांगीर के नाम पे किया है। तो आते हम वापस रजिया सुल्तान में, रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया 1236 टू 1240। ओके देखिए दोस्तों अब हम आते हैं रजिया सुल्तान के कामों के ऊपर। देखिए रजिया सुल्तान ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं इन 3.5 सालों में, अपने जो उसका रेन था उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, अपनी प्रजा के साथ खड़ी रही वो हमेशा। और एक बात और बता दूं, प्रजा ने ही सही मायने में उसको बनाया। तो हम अगर पास्ट देखे, हिस्ट्री में देखते हैं, तो कोई भी प्रजा ने, कोई भी जनता ने किसी राजा को नहीं बनाया है, वो उनकी यानी पीढ़ी ही चलते आई है कि उनको राजा के बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसे ऐसे ही हुआ है। लेकिन रजिया सुल्तान ने को उसकी पब्लिक का सपोर्ट मिला, उसकी जनता का प्यार मिला, तब जाके वो वहाँ पर सुल्तान बन पाई। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे शुरू हुई इन 3.5 सालों में, कि उसका डाउनफॉल एकदम से शुरू होने लगा रहा। देखिए पहला तो वो बहुत लवेबल थी पब्लिक के लिए, यानी जो जनता थी उससे बहुत प्यार करती थी, वो बहुत उसका सम्मान करती थी रजिया सुल्तान का उनके लिए, क्योंकि उसने अच्छा अच्छा काम भी किया। लेकिन बात ये होती है कि एक, अब मैं आपको आदमी का नाम बताऊँगा जिसका नाम है जलालुद्दीन याकूत, ये था दोस्तों एबिसिनियन स्लेव था, ये एक गुलामी था। तो उसने क्या किया, उसको आमेर खुर बना दिया, आमेर खुर मतलब घोड़ों का मास्टर, हॉर्स मास्टर बना दिया स्टेबल का, जहाँ घोड़े बनते उसको अस्तबल बोलते हैं, समझ लीजिए। वो उसके हाथ में घोड़ों की कमान सौंप दी। तो जो 40 साल थे वो बहुत ही एक तो अपसेट थे, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रजिया सुल्तान आए यहाँ पर राज करे, हम पे राज करे। देखिए वहाँ का उस समय का माइंडसेट मैं आपको बता देता हूँ कैसा था। वहाँ पर कोई भी पुरुष वो नहीं चाहते थे कि महिला उन पे आके राज करे, अपने हुक्म उन पे जमाए, अपने ऑर्डर उनको दे, वो नहीं चाहते थे कि कोई औरत हम पे आके हुक्म जमाए, हम पे राज करे। तो जो 40 साल थे वो तो वैसे ही उनसे खुने हुए थे, बिल्कुल मायूस थे कि भाई कौन, कहाँ से तुम आ गई है वो। तो फिर बीच बीच में ऐसी खबरें भी उड़ने लगी कि जो रजिया सुल्तान है उसने जो आमेर खुर बनाया रखे उसको जलालुद्दीन याकूत को, तो उनके बीच में अफेयर्स की बातें भी वहाँ पर चर्चा में आने लगी थी। तो ऐसे धीरे धीरे रजिया सुल्तान बहुत ही केपेबल रूलर थी, मैं आपको शुरू से वीडियो में बताते आ रहा हूँ, बहुत ही केपेबल रूलर थी वो, उसमें इतनी शक्ति थी कि वो अपने राज को और अच्छे से चला सकती अगर वो उसको और समय मिलता। इन 3.5 सालों में उसने इतना काम किया, तो सोचिए अगर उसको 15-20 साल मिलते तो वो अपने दिल्ली सल्तनत को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी दोस्तों उनका जेंडर, उनका जो लिंग था वो सबसे बड़ी कमजोरी थी, वो एक महिला थी, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी।
क्योंकि कोई भी वहाँ का, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ का माइंड सेट बिल्कुल ऐसा नहीं था कि हाँ ठीक है महिलाओं को आगे बढ़ाएं, है ना, जो महिला बोल रही उनकी भी बातें सुननी चाहिए। नहीं, उधर का माइंड सेट बिल्कुल इसके जस्ट अपोजिट था। वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कोई भी महिला, कोई भी नारी उन पर आके हुक्म जमाएं। इससे क्या हुआ, धीरे धीरे जो उनकी जनता थी, प्रजा थी, वो भी धीरे धीरे उनसे दुखी होने लगी। क्यों? क्योंकि जो देखिए जनता तो थी, उनमें भी पुरुष थे, घर परिवार था लोगों का, तो जो वहाँ की जो स्त्रियाँ थी घर की, वो भी अपने पतियों में हुक्म जमाने लगी थी। उनने बोला कि जब रजिया सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत को चला सकती है, तो हम इस घर को क्यों नहीं चला सकते हैं। ये वहाँ की नारियों ने आंदोलन शुरू किया, तो ऐसे घर के पुरुष भी उनके विरोध हो गए रजिया सुल्तान के। क्यों? क्योंकि वो एक अपोजिट जेंडर की थी, मेल नहीं थी, वो फीमेल थी। यही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, इनकी बहुत बड़ी गलती यही थी कि वो एक फीमेल थी, उस समय का माइंड सेट नहीं था ऐसा। तो ऐसे ही इनका डाउनफॉल शुरू हुआ। सबसे बड़ा डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब भटिंडा के गवर्नर, भटिंडा बता दे रहा पंजाब में एक जगह भटिंडा, उधर के गवर्नर ने, जिसका नाम है अल्तुनिया, उसने हमला शुरू कर दिया था दिल्ली सल्तनत के लिए। तो जो याकूत है, जिसको उनने मास्टर बनाया, रसले स्टेबल मास्टर आमेर खुर, और रजिया सुल्तान वहाँ के लिए मार्च कर दी, यानी वहाँ के लिए लड़ने के लिए चले गई। फिर वहाँ क्या होता है दोस्तों कि वहाँ पर याकूत को लोग मार देते हैं। कौन? अल्तुनिया याकूत को मार डालता है, और जो रजिया सुल्तान थी उसको कैद कर लेता अपने पास। तो रजिया सुल्तान के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो मैं अपने शादी का प्रपोजल रखा अल्तुनिया ने, और दोनों ने फिर शादी कर ली। किन ने? अल्तुनिया ने और रजिया सुल्तान ने, दोनों ने शादी कर ली दोस्तों। ये मैं बता दे रहा हूँ, याकूत से नहीं हुई थी उनकी शादी, अल्तुनिया से हुई थी। अब फिर क्या होता है कि उन लोग भटिंडा से वापस दिल्ली सल्तनत की तरफ आते हैं। उनको खबर लगती है कि दिल्ली सल्तनत में कोई और सत्ता जमा रहा है रजिया सुल्तान को अलग करके। वो कौन था दोस्तों? बहराम शाह। इनका नाम याद रखना, बहराम शाह को, ठीक है। तो जैसे ही लोग दिल्ली पहुंचते सेना लेके, तो इनकी सेना को तो बहराम शाह हरा देता बड़े आराम से, ठीक है ना। और रजिया सुल्तान और अल्तुनिया, जो उनका पति था, न्यूली मैरिड कपल जो थे, वो लड़ने गए थे, इन दोनों को ही मार डालता है वो। कौन? बहराम शाह। तो आप बहराम शाह को कैसे याद रख सकते हैं कि बहराम शाह ने रजिया सुल्तान और अल्तुनिया को बड़ी बहरहमी से मारा। बहरहमी से मारा कौन ने? बहराम शाह ने। तो बहरहमी और बहराम ऐसे आप याद करिए, लिंक बना सकते हैं आप बड़े आराम से, ठीक है। इन दोनों की लिंक बनाइए। और बहराम शाह भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं था, वो भी सिर्फ 2 सालों के लिए था, 1242 तक, बस ये 1.5-2 साल के लिए बहराम शाह भी था। बाकी मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा, दिल्ली सल्तनत का आगे पार्ट बढ़ाएंगे अपन, कि बहराम शाह कौन था, फिर उसके बाद मसूर शाह, फिर बहुत सारे लोग आए, गयासुद्दीन बलबन आया, है ना। तो ये बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो अब डायरेक्ट गयासुद्दीन बलबन ही रहेगा। बहराम शाह भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके बाद मशहूर शाह, मुबारक शाह, ये सब आते हैं, कोई मतलब के नहीं है दोस्तों। कुछ नहीं पूछने वाले पेपर वेपर है, फालतू मत पढ़ना। सिर्फ गयासुद्दीन बलबन आएगा। मैं आपको एक बात बता दूँ, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश और मामलुक डायनेस्टी, ये तीनों एक ही हैं, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होना। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा था कि मामलुक डायनेस्टी कौन सी होती है, अच्छा क्या वो स्लेवी डायनेस्टी होती है, तो मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि मामलुक डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश, तीनों एक ही नाम है, कन्फ्यूज़ कभी मत होना। बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में लोग डाल के रखे कि मामलुक डायनेस्टी के बारे में बता रहे हैं, तो वो कोई अलग डायनेस्टी नहीं है, ये स्लेवी डायनेस्टी है, जो पहला वंश है दिल्ली सल्तनत का वही है, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूँ, ये जो स्लेव वंश है, गुलाम वंश है, तो इनमें तीन तरह के वंश आए थे अंदर ही अंदर। पहला था कुतुबी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक लेके आ रहा। दूसरा है दोस्तों शमशी, जो शमशुद्दीन इल्तुतमिश लेके आ रहा, जो चल रहा था बहराम शाह बलबन के पहले तक, जो रूलर था वहाँ तक चला शमशी डायनेस्टी। और फिर उसके बाद आती है बलबनी, जो गयासुद्दीन बलबन लेके आता है। तो कौन कौन सी है? कुतुबी, शमशी और बलबनी। ये कौन सी डायनेस्टी के अंदर ये तीनों आते हैं दोस्तों? स्लेव डायनेस्टी, गुलाम डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी, तीनों एक ही है, इनके अंदर आते हैं तीन, कुतुबी, शमशी और बलबनी, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कौन कौन लेके आए वंश। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो, टाइम वेस्ट नहीं होगा, वीडियो पुरानी देखो तभी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। और अगर आपने वीडियो देख ली, पुरानी वीडियो अगर आपने देख ली है, तो 110% आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और आपको कौन से और नए टॉपिक्स में वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइए, उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। एग्ज़ाम शुरू होने वाले दोस्तों, प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, है ना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।